गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे स्कोर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सेल्स। अभी हमने जितनी भी फीस पढ़ी है जिसमें हमने पढ़ा कि सेल्स को लोग पर इशू करते हैं, प्रीमियम इशू करते हैं, डिस्काउंट इशू करते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, सेल्स ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना हम इशू करते हैं उससे कम हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा नहीं इशू करते। लेकिन यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना हमने शेयर इशू किया है उससे ज़्यादा हमारे पास आते हैं। सपोज इसमें भी क्या दिया होगा आपका कि शेयर्स इशूड बाय वेल बैलेंस्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। जो भी होता है, जो शेयर इशू किए जाते हैं वो भी मैनेज किए जाते हैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है जिनका मतलब फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसको सेट ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल और इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक। यानी इसने किया है कि वो शेयर्स ओवर सब्सक्राइब तब कहे जाते हैं जब कंपनी शेयर इशू करती है कम लेकिन एप्लीकेशन आता है ज्यादा, तो हम उसे कहते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए कैसे होता है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन से मानी कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किए, ठीक है, कंपनी ने इशू किया शेयर आपका 1,00,000 और एप्लीकेशन जो आते हैं वो आते हैं 2,00,000 के, 2,00,000 एप्लीकेशन आ गए। जाहिर सा कंपनी के पास इसकी कितनी है, लेकिन एप्लीकेशन जो आया है आपका वो आपका आया है 2,00,000। तो कंपनी क्या करती है, किसने ऐसा पता नहीं, उसके पास 1,00,000 से है और 2,00,000 से पास पैसा पर्याप्त है, उसको 1,00,000 शेयर ही चाहिए थे इशू करने में, 1,00,000 शेयर उसके पास है, तो वो 1,00,000 लोगों को अलॉट करें आपके। अब इसमें क्या करता है, इसमें तीन कंडीशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन की तीन कंडीशन है। पहला तो रिजेक्ट हो जाता है, दूसरा ऑप्शन आता है प्रो रेटा, तीसरा ऑप्शन आपका आता है कंबाइन। ये तीन कंडीशन आती है आपके ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोज आप जैसे हम ये कर रहे हैं सेल्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे आपका अलॉटमेंट हो गया, यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉल हो गया। तो हमने एक रिस्क 3 रुपया कर दिया, इसको आपका जो है 4 रुपया कर दिया, इसको हमने 3 रुपया कर दिया, ठीक है, 3, 4, 3। अब सपोज माने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है उसको यस कर देगा, वो कर दिए गया कि उस एप्लीकेशन से जो 1,00,000 एक्स्ट्रा उसके पास है, 1,00,000 इशू करना था 2,00,000 है, 1,00,000 से यस के लेकर बैठा है, उसको रिटर्न कर दे, उनका पैसा वो रिटर्न कर देगा, वो फिर 1,00,000 से यस कैसे करेंगे, आगे देखते हैं कैसे करते हैं। भाई इसमें से तो आपको एंट्री करते हैं सेम वे एक्टिविटी जैसे आपको एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखिए ड्रीम एप्लीकेशन मैंने रिसीव, तो आप जो एप्लीकेशन रिसीव करवा रहे हैं 2,00,000 एप्लीकेशन क्या है, तो 2,00,000 एप्लीकेशन को 3 के हिसाब से 6,00,000, तो 6,00,000 रुपये उसके यहाँ पर आ जाएंगे। अब कंपनी कह रही है कि इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, उसकी भी आपको पता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे पैसे तो 6,00,000 का है, अब कंपनी क्या करेगी, वो केवल ट्रांसफर केवल 1,00,000 से कर करेगी, 1,00,000 के साथ 3,00,000 हुआ, तो 3,00,000 से आपके क्रेडिट में आ जाएगा, और इसके बाद जो बचा 3,00,000 रुपये 1,00,000 से ऐसे पैसे वो क्या करेगी, उसको फिर से लोगों को वापस देंगे, क्योंकि ये बैंक के नाम
रिटर्न करेंगे। तो अब सी एस क्या निकाली अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट का 4 रुपये निकाल लीजिए तो 5 के हिसाब से कितना है 20 रुपये आएगा। तो कंपनी क्या करती है कि ये प्रतिवेद जोड़ने के आपको 15 रुपये हमारे पास जमा है, आप हमें से ये 15 रुपये आ सकता है वहाँ निकालेगी, बस उसको 5 रुपये देगी और ये सारे से इसको इसका अलॉट करेगा। एक 20 में से 15 घटाएगा 5 रुपये, तो 5 रुपये बस कंपनी इससे लेगी और बाकी इसको क्या करेगी उसका अलॉटमेंट करेगी, क्योंकि 15 रुपये ऑलरेडी कंपनी के पास के एडवांस पड़े हुए हैं। तो ये कंपनी का इसको एडजस्ट करती है, इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस। आइए देखते हैं कैसे होता है, चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसकी एंट्री सेम ही रहेगी, पहला तो ये आएगा बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख हो गया। अब यहाँ क्या करेगी कंपनी इसको करेगी एंट्री करेगी, यहाँ पे करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू, अब वो पैसा क्या करेगी अलॉटमेंट के साथ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो। और जब हम क्या करते हैं अलॉटमेंट की चीज करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां लिखेगा एप्लीकेशन से यहां लिखा 6 लाख रुपए, तो वो 6 लाख यहां से जाएंगे, शेयर कैपिटल के 3 लाख सेम वही भी उसमें से आपके डिटेल नहीं होगा और ये चीज है पैसे आपके लाभ के साथ एडजस्ट होते हैं, यानी ये लोगों को इश्यू कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, आप मान लीजिए अब यहाँ पर हमने कितना किया 4 रुपये किया डॉक्यूमेंट, तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा आपका देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चलते हैं अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो दूसरे आपको 4 रुपये किया, 4 के साथ कितना आएगा 4 लाख आएगा, तो इतना 4 लाख ही आएगा। लेकिन जब रिसीव होगा तो रिसीव नंबर में क्या हो गया आपको देख लेते हैं, यहाँ पे कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए और जो पैसा था आपका तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन का लेंगे, जो एप्लीकेशन का मनी है वो हम यहाँ पे शो कराएंगे, या तो आप ये दिखा सकते हैं या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 4 लाख दिखाएंगे